हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के जार पे, देखेंगे नेक्स्ट हमें किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, आज का हमारा क्या एनालिसिस था, मार्केट किस तरह का रिएक्ट किया, अलग अलग चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे अगर आप देखोगे तो हमारा कॉल में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था आज के दिन में, सेम कॉल में हमने फिर से प्रॉफिट बनाया। काफ़ी मेंबर्स का ये क्वेश्चन था कि सर आपने जो ये ट्रेड प्रिडिक्ट किया था, इसका एसएल होने के बाद भी आपने कहा कि मुझे पुट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कॉल साइड ही ट्रेड करूंगा, तो उसके पीछे का क्या रीज़न था। ठीक है, वो भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, निफ्टी के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो रिसेंट में हमने एक एनालिसिस प्लान किया था जो हमारा अपसाइड के लिए था, मैक्स चांसेस उसमें हमने डिस्कस किया था कि अपसाइड के रहने वाले हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो कहीं ना कहीं जो भी शॉर्ट सेलर होंगे वो ट्रैप होने वाले हैं, उसके बाद हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, मॉर्निंग में मैंने आपको यहाँ पे पहले कैंडल पे ही कहा था एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में एक अनवाइंडिंग देखने को मिला था। जब भी मार्केट में अनवाइंडिंग देखने को मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं पुल बैक के बाद मार्केट फिर से बाउंस बैक करे। ठीक है, यहाँ पर हमारा प्लानिंग क्या था, यहाँ पर अगर आप चार्ट पे देखोगे तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था जो हमने रिसेंट एज अ रेजिस्टेंस मार्क किया था, और मॉर्निंग में भी मैंने आपको ये रेजिस्टेंस एरिया मार्क करके दिया था। तो यहाँ देखोगे सेम एरिया के ऊपर हमें ओपनिंग देखने को मिला है, तो मींस अब जो रेजिस्टेंस था वो एज अ सपोर्ट वर्क करने वाला है। जो भी मेंबर्स अगर आप देखोगे ना, तो पहले आपको ये सोचना है कि मैं ट्रेड में कहाँ हूँ। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर मान के चलो कि आपने 17,800 का, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 17,800 के लगभग का अगर आपका कॉल शॉट है, ठीक है, और मॉर्निंग में आपको नेक्स्ट डे मार्केट आपके अगेंस्ट 150 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में यहाँ पे एक पैनिक क्रिएट होगा। ठीक है, जो यहाँ पे वो पैनिक क्रिएट हुआ, जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था उसने एज अ सपोर्ट वर्क किया, उसके बाद एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना और स्ट्रॉन्ग कैंडल का कंटिन्यूशन में ब्रेकआउट हुआ। तो यहाँ पे जितने भी कॉल सेलर थे, ठीक है, जिनने शॉर्ट बना के रखे थे वो वहाँ पे ट्रैप हुए, उसके बाद आपको ये वाला मोमेंटम बिल्कुल क्लियर देखने को मिला। दूसरा, मैंने आपको कहा था 18,100 काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखा, बट हमने यहाँ पे पुट प्लान नहीं किया था। मैंने आपको कहा था मॉर्निंग से ही कॉल में हूँ, और जो भी मेंबर्स ग्रुप में उनको मैंने कहा था कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बुक करते रहना और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, आपको कॉल ही ट्रेड करना है, पुट में ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये वाला मोमेंटम आप देखोगे ये हमने मिस किया, बट यहाँ पे हमने फिर से एक ट्रेड लिया था और जिस ट्रेड को हमने बिल्कुल टॉप पे जो है एग्जिट किया। यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था। ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद फिर से मार्केट आपके ही फेवर में आया, जो हमने प्लान किया था सेम उसी तरह मार्केट रिएक्ट कर रहा था, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा था, उसके बाद मार्केट ने फिर से एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिखाया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आपने कुछ एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद अगर आप मार्केट में एक डिप या एक अपसाइड मोमेंटम पर अपना एनालिसिस चेंज कर रहे हो, तो मीन्स कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में भी सेम डिफिकल्टीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर हमने वेट किया। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस यहाँ के ट्रिगर हुआ था, ये मार्केट थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया। जो भी मेंबर्स ने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया, लेकिन काफ़ी तेज़ी से आया। मार्केट ने वीवैप एरिया के पास या हमारे स्पोर्ट एरिया के पास कोई रिएक्ट नहीं किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एरिया में प्लान कर रहा था कि यहाँ से हमें एक बाइंग अपसाइड देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, बट मार्केट यहाँ से काफ़ी अच्छा डिप लिया, तो उसकी वजह से हमारा जो स्टॉप लॉस था वो ट्रिगर हो गया। बट आपको हमेशा वेट करना है कि मार्केट फिर से आपको कहीं ना कहीं एंट्री देने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो सेम एरिया के लगभग हमें फिर से एंट्री मिला। ये कैंडल आप देखोगे यहाँ बॉटम के लगभग हमने एंट्री प्लान किया था 18,030 के लगभग, तब ये कैंडल रेड था और काफ़ी बड़ा रेड कैंडल हमें देखने को मिल रहा था। तो सेम कैंडल में मैंने आपको कहा था कि सेम कॉल लेंगे, सेम स्ट्राइक यूज़ करेंगे, स्टॉप लॉस आपका 50 रहेगा, 60 के लगभग हमने प्लान किया था और लगभग 94 के लगभग हमने यहाँ पर एग्जिट कर लिया था। अब के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कल मार्केट किस तरह का रिएक्ट कर सकता है, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि अगर कॉल सेलर डर रहा है वो कहाँ डरेगा, पुट सेलर डर रहा है वो कहाँ डरेगा। ठीक है, अगर आपको देखना है कि मुझे कहाँ पे पोजीशन लेनी है, ठीक है, मैं इस चार्ट में मुझे कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे मॉर्निंग में आपका फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का ब्रेकआउट हुआ था, मैंने आपको कहा था ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगा और कॉल साइड ही रहना है। ठीक है, दोबारा मार्केट नीचे आया, एक लो लगा, यहाँ से फिर से हमने अपसाइड मोमेंटम प्लान किया। ठीक है, अभी डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो जो कैंडल बना है उसके हिसाब से हमारा लॉन्ग इनिशिएट है, अभी तक हम अपसाइड के लिए ही प्लान कर रहे हैं। ठीक है, डाउनसाइड अभी कहाँ से नीचे हम प्लान करेंगे, अगर मार्केट फिर से नीचे आ जाता है सेम लेवल आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, ये लेवल आपका रहेगा 18,024। ठीक है, 18,024 के नीचे अगर क्लोजिंग आएगा फिर आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में भी एक डब्ल्यू पैटर्न का एम पैटर्न का फॉर्मेशन मिल जाएगा, उसके नीचे आप सेलिंग प्लान करोगे, स्टॉप लॉसेज आपके लगभग 18,070 ये रेंज में रहने चाहिए। ठीक है, अगर मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो अगर आपको यहाँ पे ये एरिया के नीचे कुछ क्लोजिंग आता दिखता है 18,020 के नीचे अगर क्लोज करता है, मीन्स 18,000 भी आपको थोड़ा सा रिएक्ट देखना पड़ेगा कि वहाँ किस तरह का रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा।
ठीक है, उसके नीचे आपको सेलिंग फिर से देखने को मिल सकता है। टारगेट आपके 17,950 एंड 17,900 के लगभग रहने चाहिए। ठीक है, अपसाइड अगर मार्केट सेम एरिया, यहाँ पे आप देखोगे रिसेंट जो भी हमारा हाई बना है 18,150 के ऊपर निकलेगा, उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको फिर से देखने को मिलेगा। 18,200 तक के टारगेट आपको अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये एरिया थोड़ा सा डिसाइडिंग एरिया रहने वाला है, यहाँ पे एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है, अगर मार्केट ये एरिया के ऊपर निकल जाता है, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो 250-300 की रेंज से ऊपर निकल जाता है। अब जो भी मेंबर्स ने कॉल शॉर्ट किया, मीन्स जो भी बेरिश व्यू के साथ मार्केट में आए थे लास्ट वीक में, जिनकी बेरिश पोजीशंस थी, उनको एक बड़ा जो है अनवाइंडिंग करना पड़ेगा। ये एरिया के ऊपर अगर निकल जाएगा फिर आपको बड़ा मोमेंटम फिर से अपसाइड देखने को मिलेगा, जो आपको 18,400-18,500 तक लेके जा सकता है। ठीक है, अगर मार्केट को बेरिश होना है तो मार्केट बेरिश होगा कहाँ से नीचे, 18,020-18,000 के नीचे। अगर इसके नीचे निकलेगा फिर से आपको 18,900 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, 900 के लगभग फिर से अगर कंसोलिडेशन मिलता है, ब्रेकडाउन होगा, फिर आप 17,800 तक के टारगेट भी प्लान करोगे। और सेम अगर वीकली हिसाब से हमारा लास्ट स्विंग के नीचे मार्केट निकल जाता है तो फिर हमें 17,500-17,300-200 ये टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कुछ अग्रेसिव शॉर्ट करना है तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे वो कुछ क्वांटिटी शॉर्ट कर सकता है, जो ट्रेंड लाइन लगभग 18,050 के नीचे रहने वाला है। अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलेगा, 18,050 के नीचे निकलेगा, कुछ क्वांटिटी यहाँ शॉर्ट कर सकते हो। बाकी आपको लगता है कि मुझे बाकी कुछ क्वांटिटी शॉर्ट करनी है, वो आप 18,020-18,000 ये रेंज के नीचे बाकी क्वांटिटी शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी देखेंगे बैंक निफ्टी को। ठीक है, जब भी मार्केट जो ट्रेंड जा रहा है ना, तो आपको सेम ट्रेंड में जाना है, मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना है। मैं जैसे आपको मैंने दिन को भी कहा था, यहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम में दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में ही आपको कहा था ये मेजर एरिया रहने वाला है 18,100, यहाँ कंसोलिडेशन होगा तो 150 तक का मूव हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, 140-145 का हाई हमें देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे जब हमने ट्रेड लिया था स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद, ठीक है, यहाँ मैंने आपको कहा था फ्रेश एंट्री के लिए एरिया आ चुका है। ठीक है, फ्रेश एंट्री के लिए आप रेडी रहोगे। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस 65 था, यहाँ पे ट्रिगर हुआ, वो ट्रिगर होने के बाद मैंने आपको फिर से कहा, यहाँ पे एसएल ट्रिगर हो गया था हमारा, यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने आपको कहा था मार्केट ने हमारे वीवैप एरिया को, सपोर्ट एरिया को कहीं रिस्पांस नहीं दिया। ठीक है, पुट में अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियरली कहा था, इसलिए कहा था क्योंकि मैं जो एनालाइज किया हूँ, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट वर्क कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। ठीक है, मार्केट मेरे फेवर में आ सकता है, थोड़े टाइम के बाद आ सकता है, फिर से कुछ प्राइस एक्शन बनेगा तब हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी न्यू ट्रेड के लिए वेट करेंगे, मींस मैंने पुट किसी को नहीं दिया था, मैं कॉल की ही साइड ट्रेड करने वाला। जैसे आप देखोगे रिसेंट में हमेशा पुट दे रहा था, ये बॉटम पे ये लो हमने अच्छे खासे ट्रेंड लिए, ये वाले ट्रेंड अच्छे खासे ट्रेंड लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो कॉल साइड अच्छा खासा ट्रेंड लिया, तो इसका मतलब ये है जब भी मैं एनालाइज कुछ कर रहा हूँ तो मुझे अपने एनालिसिस के साथ मार्केट चल रहा है। ठीक है, अगर मार्केट मेरे एनालिसिस के अगेंस्ट जा रहा है, स्टॉप लॉस ले रहा है मार्केट, तो मैं स्टॉप लॉस दूंगा, बट मैं अपने एनालिसिस को तब तक चेंज नहीं करूंगा जब तक मेरे जो रीजंस हैं एनालिसिस के पीछे वो सारे के सारे क्लियर नहीं हो जाते। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप देखोगे तो लास्ट में हमने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो लगभग ये दोबारा हमने सेम कॉल लिया था और लगभग 94 के लगभग हमने फुल क्वांटिटी बुक कर ली थी। ठीक है, उसके बाद अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है 42,700 की रीच में। ठीक है, 42,720 के अगर ऊपर कल बैंक निफ्टी निकलता है तो यहाँ से फिर से आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो आपको लेके जा सकता है 42,900 की रेंज तक। ठीक है, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला है, सेम चीज़ें जो हमने रिसेंट रेजिस्टेंस बनाए हैं तो वही आप देखोगे यहाँ पे वही रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर ऊपर मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद आपको अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे आपका ये रेजिस्टेंस एरिया थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हल्का फुल्का सपोर्ट ही रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर ही मार्केट क्लोज होगा। ठीक है, आपकी बैंक निफ्टी में 5 मिनट पर एक ट्रेंड लाइन आई थिंक बन रहा होगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, बट इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज आना इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज आता है, कुछ अग्रेसिव शॉट आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, मेजर सेलिंग आपको यहाँ पे 42,300 के नीचे ही प्लान करनी है। ठीक है, अगर मार्केट ये रेंज को ब्रेक डाउन करता है, यहाँ क्लोज आता है, रिटेस्ट करने के बाद आपको फर्स्ट टारगेट ये रहना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट फिर से ब्रेक डाउन करेगा तो फ्रेश सेलिंग आपको एक मेजर जो सेलिंग एरिया रहेगा ये रहने वाला है, इसके नीचे आपको फ्रेश सेलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, अपसाइड रेजिस्टेंस एरिया आपका 42,720 के ऊपर रहने वाला।
ठीक है, रिसेंट अगर आप देखोगे जो भी हमने स्पोर्ट एंड रेजिडेंस एरिया मार्क किए वो सेम उसी जो एज अ स्पोर्ट वर्क कर रहे थे अभी वो एज अ रेजिडेंस वर्क करेंगे। ठीक है, वीकली चार्ट अगर आप बैंक निफ्टी का भी देखोगे तो सेम प्लानिंग हमारा था अपसाइड के लिए ही, और अच्छा खासा गैप अप भी हुआ है मार्केट। ठीक है, अगर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर हम अपसाइड अच्छा खासा मोमेंटम देखेंगे। बट ये हाईज जो रिसेंट हाईज है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 43,300 एंड बॉटम अगर आप देखोगे 41,700, ये हाईज एंड लोज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अगर इसके बीच में रहेगा मार्केट कहीं ना कहीं एक वोलेटाइल मार्केट भी हमें देखने को मिलेगा। डाउ जोन्स देख लेते, काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्केट रहने वाला है। डाउ जोन्स का भी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो डेली चार्ट में अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है। डाउ का एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया 34,000 के लगभग रहने वाला है। दूसरा अगर आप देखोगे तो 33,800, ये भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया डाउ के लिए रहने वाला है। ठीक है, डाउ में काफ़ी अच्छा कैंडल बना है, अगर इसको फॉलो अप बाइंग मिलता है तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड देखने को मिलेगा। ठीक है, डाउ अगर अपसाइड मूव करता है तो हमें कल एक गैप अप भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, गैप अप के बाद आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन के बाद ही आप लॉन्ग ट्रेड या शॉर्ट ट्रेड प्लान करोगे। ठीक है, नैस्डैक भी आप देखोगे सेम एरिया रहने वाला है इसका भी, 10,600 के ऊपर निकलेगा, 10,600 के ऊपर निकलेगा, फिर इसमें एक अच्छा फ्रेश मनी अपसाइड देखने को मिलेगा। ठीक है, जो इसको लेके जाएगा 10,700 की रेंज। अगर दोनों इंडेक्स इस तरह मूव कर जाते हैं जिस तरह हमने प्लान किया तो हमें एक अच्छा खासा गैप अप कल मॉर्निंग में देखने को मिल सकता है। यूएसडी का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो सेम हमने एक प्लान किया था, जितने भी मेंबर्स रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा। ठीक है, हमने रिसेंट कुछ प्लान किया था, अगर आप यहाँ पे एरिया चार्ट पे देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में आई थिंक हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बन रहा है, इसके नीचे मार्केट को निकलना इंपॉर्टेंट है। 82.70 के नीचे अगर यूएसडी क्लोज करता है उसके बाद इसमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, काफ़ी टाइम से मैं ये चीज़ें आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर है बट वर्क सेम हेड एंड शोल्डर की तरह ही किया है इसने। ठीक है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना, उसके बाद अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें यूएसडी में भी देखने को मिला। ठीक है, सेम स्पोर्ट एरिया के लगभग 82.25 की रेंज में अभी चल रहा है, तो अभी इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है किस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। यूएस मार्केट ओपन होगा देन हमें इसमें भी एक क्लैरिटी मिलेगा कि किस तरह का मोमेंटम ये कर सकता है। ठीक है, अभी जिस तरह का स्ट्रक्चर है यूएसडी बेरिश ही चल रहा है, अगर यहाँ से एक और डिप मिलता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें अपसाइड देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।